गंगा डी के मुस्लिम बस्ती से अमन अखाड़ा द्वारा मुहर्रम का जुलूस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। इस दौरान एक से बढ़कर एक करतब दिखाए गए। मौके पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। में भटमुरमा निवासी दिलीप भट्ट ने सांप से एक बच्चे की जान बचाई। सांप कमरे में उस समय घुसा जब बच्चा सोया हुआ था। बच्चे की आंख अचानक खुली तो सांप को देखते ही वह डर गया। खबर पाकर दिलीप ने उसकी जान बचाई। चाकुलिया के मालकुंडी अंतर्गत लखीपुरा निवासी मनोरंजन महतो को बीती रात काम से घर लौटने के दौरान एक सांप ने डस लिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सीधे CHC पहुंचाया। सूचना मिलते ही भाजपा नेता राजा बारिक, देवाशीष दास, असु महतो, बुढ़न ओझा, मल यरूही दास मरीज से मिले। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रांची के पार्टी कार्यालय में होने वाली बैठक के लिए रवाना हुए घाटशिला विधायक की स्कॉर्पियो रामपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान विधायक लक्ष्मण टुडू को काफी चोटें लगी है। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल ले जाया गया। पटमदा के कमलपुर मंडल के कला भवन में भाजपा द्वारा मंडल स्तरीय प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता TAC सदस्य JB तुबित ने कहा कि भाजपा के केंद्र एवं राज्य में चल रही लाभकारी योजना को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी हर महत्वाकांक्षी योजना हर गाँव हर कस्बे के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएगी। इस दौरान किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मुचीराम बावरी, काजू सांडिल, 20 सूत्री अध्यक्ष वासुदेव मंडल, सुरेश प्रसाद समेत अन्य लोग उपस्थित थे। तो आपने इसका कोई दावा किया है कि आपने महिलाओं की संख्या क्या है? कम है।